हेलो क्लास ट्वेल्थ, ठीक है। तो हम लोग रेट ऑफ चेंज में कुछ एग्जांपल्स कर चुके थे, उसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये क्लास फोर्थ है और थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है कुछ बच्चों को। दिक्कत ये आ रही है कि हिंदी इंग्लिश की दिक्कत हो रही है। जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको तो कोई समस्या नहीं, बट जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा है जिसमें क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में मीनिंग ज़्यादा समझने के, लेकिन इसके बाद इतनी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा एडजस्ट करिए, हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, लेकिन हम आपको अलग से उसमें टाइम देंगे, है ना। अलग से भी आपको हिंदी में बता देंगे अलग आ करके, जूम पे परेशान ना होइएगा। जैसे है समझने की कोशिश करिए, फिर समझ में आएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है कि जिसको आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आगे की पढ़ाई आपको इंग्लिश में ही करनी है। इसलिए हिंदी इंग्लिश को मत सोचिए, मैथ को इंग्लिश की ही तरह से ट्रीट करने का प्रयास करिए। थोड़ी सी दिक्कत हो रही, चलो देखते हैं। इस टॉपिक में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि टोटल इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम उन क्वेश्चंस के लिए आपसे मिलेंगे, जूम पे मिलेंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। चलिए, ये दो क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं आपके सामने। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, रेवेन्यू पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई चीज़ आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल लिए, आपने प्रोडक्शन करना शुरू किया। मान लीजिए जैसे आप क्या बना रहे हैं, कुछ भी, जैसे आप कोई भी टॉय बना रहे हैं। टॉय बनाएंगे, 10 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, तो नंबर ऑफ आइटम्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू कुछ। तो उसके लिए कोई ना कोई एक इक्वेशन बता देंगे कि सर प्रोडक्शन करने की ये आपके पास ये इक्वेशन है, इस तरह से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ये हो रहा है। तो ये क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन, कुछ भी मार्जिनल करके पूछेंगे। मार्जिनल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। बस आप अपने दिमाग में इतना बैठा लीजिए कि रेट ऑफ चेंज अकॉर्डिंग टू द गिवन वेरिएबल। जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ चेंज निकाल देना, बस बात खत्म। और कुछ नहीं दिमाग खर्च करना है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जैसे क्वेश्चन लिखा है द टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब होता है राजस्व। जब टैक्स आपसे लिया जाता है तो रेवेन्यू होता है एक तरह से, या कोई चीज, जैसे कोई सरकारी चीज बिकती है तो रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स नेशनल फ्लैग। हमने कुछ राष्ट्रीय झंडे, नेशनल फ्लैग्स को सेल आउट किया है। हमारे पास कुछ नेशनल फ्लैग हैं, उनको हमने सेल आउट किया। कितने नेशनल फ्लैग्स, कुछ नेशनल फ्लैग्स एक्स। उससे हमको क्या हुआ, जब हम कुछ उनको सेल आउट करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, हमको कुछ रेवेन्यू मिलेगा, हमको कुछ राजस्व मिलेगा। वो हमारा राजस्व की इक्वेशन दी है, गिवन बाई आर एक्स इज इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन दी गई। तो पूछ क्या रहे हैं, पूछ कुछ नहीं रहे, कह रहे हैं फाइंड आउट द मार्जिनल रेवेन्यू। कौन सा वर्ड यूज हुआ, मार्जिनल, एम ए आर जी आई एन ए, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, बड़ी अच्छी बात, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया हमारे पास। हमको क्या दिया गया है, हमको आर एक्स दिया गया है। आर एक्स इज इक्वल टू 13x² + 20x + 15, ये हमको दे दिया गया। हमको आर एक्स गिवन किया गया है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि हमको मार्जिनल रेवेन्यू क्या मिला। मार्जिनल रेवेन्यू हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये आर की इक्वेशन थी, आर एक्स मतलब आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा, तो इसको हम लोग आर भी लिख सकते हैं सिंपली, आर इज इक्वल टू 13x² + 20x + x। ये हमारा फंक्शन आर हो गया। क्या पूछा गया, मार्जिनल रेवेन्यू, एम आर इज क्वेश्चन मार्क, कब, व्हेन एक्स इज इक्वल टू कितना, 7। एक्स मतलब नंबर ऑफ आइटम, एक्स आइटम है, वो आइटम कितने, 7 है, 7 ही है। तो कितना आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है उसके बारे में बात करें। तो हमने क्या बताया, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे टीचर ने क्वेश्चन में समझाया भी है, आपको डेफिनेशन बता भी दी जा रही है। मार्जिनल मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, द बी मींस द इंटेंशनल रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल टास्क कास्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। कोई भी आप काम कर रहे हो उस पे जो रेट ऑफ चेंज होगा वही मार्जिनल का मीनिंग होगा। बस आप इतना दिमाग में बिठा लीजिए, आपका काम बन जाएगा इस क्वेश्चन से। चलिए, तो ये एम आर निकालने जा रहे हैं, एम आर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ आर अकॉर्डिंग टू द गिवन वेरिएबल। वेरिएबल किसके टर्म में दिया गया है, यहाँ पे एक्स के टर्म में, इक्वेशन किसके टर्म में दी, एम आर अपॉन डी आर अपॉन डी एक्स कर दीजिए। अब इस लाइन का डिफरेंशिएशन करना आपको आता होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 13x² + 20x + 15। क्या वैल्यू आएगी बेटा, जरा कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 26x + 20 आ जाएगा। अच्छी बात है, ये dr / dx की वैल्यू आ गई।
हमको dr अपॉन dx निकालना है कब, जब x की वैल्यू 7 है, रख दीजिए इसमें x इक्वल टू 7, 26 गुणे 7 गुणा आता होगा आपको, हमको तो नहीं आता है, कराइए सच में 42 की 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 14 और 4 18, सच में 42 की 2 और 7 दूनी 14 14 और 4 समझ गए होंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 202, तो आपको जो मार्जिनल रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो कितना है 200 742, सही कैलकुलेशन की है ना 742, ठीक है अच्छी बात है, और 7 दूनी 14 14 दो 18 और प्लस 20 तो 202, ठीक अच्छी बात है 202, ओके कोई बात नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए है ना, ये है कोई परेशानी नहीं है, चलिए 202 ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया आपका, चलिए इसको हटा देते हैं, अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, इसको नीचे से भी हटा दें, गलत किया हमने, पहले सेकंड सॉल्व करना चाहिए फिर फर्स्ट को जगह जब बन जाती, अब हमारे पास जगह ऊपर और नीचे बची, बहुत गलत जगह बची, चलिए कोई बात नहीं ऊपर नीचे करके सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, द टोटल कॉस्ट सी एक्स, नाम दे दिया सी एक्स, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके लिए एक इक्वेशन बना दी, प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, कितनी एक्स यूनिट बनाने के लिए गिवन बाय द इक्वेशन दिस, क्या इक्वेशन दी गई 0.005 एक्स क्यूब प्लस सॉरी माइनस 0.2 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ये इक्वेशन किसी कंडीशन पे बनाई गई, आपको बनी बनाई इक्वेशन दी जाएंगी क्वेश्चंस में, ये आपको बनानी नहीं है, यहाँ पे बनी बनाई इक्वेशन आपको दे दी गई, बना दी अच्छी बात है, तो कह रहे फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, क्या पूछा गया मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे क्या दी जा रहा है सी दिया जा रहा है आपको, सी इज इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब हो गया माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 30x हो गया प्लस 5000, मार्जिनल मार्जिनल मतलब डी सी अपॉन डी एक्स क्वेश्चन मार्क है, कब व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस, आर प्रोड्यूस कितनी यूनिट बनाई जा रही है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, क्या आपको नहीं डी सी अपॉन डी एक्स कब निकालना है जब एक्स इक्वल टू कितना है 3, ये क्वेश्चन मार्क। अब इन्होंने बताया वेयर मार्जिनल, वेयर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ द आउटपुट, आउटपुट मतलब जो आप बना रहे हो उसका आउटपुट, एनी लेवल ऑफ आउटपुट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, तो हमने वही तो आपको समझाया, वही पिछले क्वेश्चन में डिटेल में नहीं लिख के दिया कि, तो आपको बता दिया मार्जिनल का मतलब होता है आपको रेट ऑफ चेंज निकाल देना, बस इतनी सी बात को याद रखिए, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे इस तरह के जितने भी होंगे आपकी किताब में, तो कुछ नहीं करना है, अब कर लेंगे। आइए सर इसका डिफरेंशिएशन डीसी अपॉन डीएक्स निकालते हैं, कितनी वैल्यू आएगी 3 पावर आगे आएगी तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.05 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.02 इंटू एक्स प्लस 30, ओके भैया ये क्या निकल आया, ये आपका आएगा, क्या पूछा गया था इसमें मार्जिनल कॉस्ट यानी एम आर एम सी पूछा गया है, मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल रेवेन्यू तो एम आर, मार्जिनल कॉस्ट एम सी, मार्जिनल प्रोडक्शन एम पी, बना लेना अपने तो वेरिएबल्स, कोई नाम दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए भैया मार्जिनल कॉस्ट एट एक्स इक्वल टू कितने पर, एक्स इक्वल टू 3 रख दीजिए, एक्स इक्वल टू 3 तो क्या आ जाएगा एम सी इज इक्वल टू 3 गुणे 0.005 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0.02 इंटू 3 प्लस 30, आप कैलकुलेट कर दीजिए इस वैल्यू को, 3 3 का 9 9 3 27, 27 तो ये हो गया 27, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा भी 27 गुणे 005, ठीक है 3 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 गुणे 05, अभी देखो 3 दूनी 6 माइनस का 6 इंटू 0.02 और प्लस 30, इसका गुणा कराए 27 गुणे 5, तो देखिए 5 सत्य 35 इधर लिखते हैं, इधर यहाँ पे 5 सत्य 35 की 5, 5 सत्य 35 की 5, 5 दूनी 10 10 3 13 13 पॉइंट कितने अंक बाद लगेंगे 1 तो 3 तो 0.135 माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे माइनस 0.12 6 का गुणा 2 से 12 और 0.2 और प्लस 30, कैलकुलेशन तो 30.1 कितना होगा 30.135 माइनस 0.12 फिर इसमें से इसको घटाएंगे 30.135 में से 0.120 ये 5 बचेगा 1 बचेगा 0 बचेगा ये 0 ठीक ये 30 तो आंसर कितना जाएगा 30.015 आंसर कर दीजिएगा कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा।
ठीक है ना। हाँ चलिए देख लीजिए, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, एट एक्स इक्वल टू 3 निकाल दीजिए बेटा, कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है, आप कर लेंगे। 3 × 6 = 12, ठीक है। ठीक मिटा दें इसे। तो इस तरह से मार्जिनल वाले जितने भी क्वेश्चन आप 3-4 क्वेश्चन आपकी किताब में मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी हैं और अदर बुक में भी हैं, ढूंढ लीजिएगा, ढूंढ के कर लीजिएगा, एक आधा एग्जाम्पल भी होगा, हिंदी पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। थोड़ी हिंदी अटपटी जरूर लिखी हो लेकिन मीनिंग आपको रेट ऑफ चेंज से ही होता है, वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ही निकालने को आपको कहा जा रहा है। क्या निकालने को कहा जा रहा है? रेट ऑफ चेंज आप निकाल लीजिए, काम ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत। हाँ थोड़ा और क्लोज कर लिया है। अब क्वेश्चन सुनिएगा, अब अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब हम लिखेंगे नहीं समझाएंगे सिर्फ, कि बहुत लिखने में टाइम बर्बाद हो रहा है हमारा। ये लेटर 5 मीटर लॉन्ग, लेटर एक सीढ़ी है, सीढ़ी सीढ़ी को दीवार पे ऐसे लगा देना है, ठीक। तो जरा समझिएगा, ए लेटर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब एक आपके पास एक सीढ़ी जिसको दीवार से टिका के ऐसे लगा दिया गया, इस तरह से ऐसे रख दिया गया सीढ़ी को। गांव में आपने देखा होगा, जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे उनको जल्दी इस बात समझ में आ जाएगी, या जिनके घरों में सीढ़ी होगी, घर में चढ़ने छत में यूज करते हैं, तो क्या करते हैं दीवार से ऐसे लगा देते हैं, एक सिरा उसका फर्श पे होता है, एक दीवार पे होता है, इस तरह से ऐसे तिरछी करके लग जाती है, लग गई। अब देखिए ध्यान से, कुछ करेंगे वो लोग क्या करेंगे, कहेंगे इस सिरे को नीचे किसी स्पीड से इधर खींचेंगे, तो कहेंगे इसे आप किसी स्पीड से नीचे आएगा, ये कुछ इस तरह की बातें करेंगे उल्टी सीधी। तो उस बातों को समझना जरा ध्यान से, ए लेटर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, 10 मीटर लंबी है, ये हमारी 5 मीटर लंबी वॉल सीढ़ी है, कितने मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी वॉल है, कितने मीटर लंबी वॉल है, 5 मीटर लंबी, कितनी मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है, ठीक, अच्छी बात है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, क्या लिखा है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 cm/s। क्या कर रहे हैं लोग कि इस सीढ़ी को जमीन की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड, इसकी दिशा में नीचे की तरफ से ऐसे खींच रहे हैं, इसे पकड़ लिए, मतलब दीवार में सीढ़ी लगी थी, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जमीन में ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे खींच ले रहे हैं, नीचे ऐसे पकड़ के ऐसे करके खींच ले रहे हैं, तो वो खींचने की बात कर रहे हैं, कितने सेंटीमीटर, किस स्पीड से खींच रहे हैं, वो स्पीड आपको दे रहे हैं कितने, करेक्ट 2 cm/s, कितने सेंटीमीटर, 2 cm/s की स्पीड से इसको आप खींच रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो एक बात बताइए, जब सीढ़ी को आप ऐसे नीचे की तरफ खींचोगे, जैसे मान लीजिए सीढ़ी ऐसे दीवार में लगी और निचला सिरा जब आप ऐसे खींचोगे तो ऊपर वाला सिरा नीचे आएगा ना, ऊपर वाला सिरा कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, तो वही उन्होंने क्वेश्चन करा है कि ये सिरा किस स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, ये कितनी स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है, तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सुनना, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। क्वेश्चन लिख देते हैं ज्यादा, क्योंकि आप ऐसे समझ नहीं पा रहे, तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, तब तक पहले लिख लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं, एक मिनट आप हमें टाइम दीजिए। क्या लिखा है, ए लेटर 5 मीटर लॉन्ग, ठीक, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ठीक, द बॉटम ऑफ लेटर, बॉटम ऑफ लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड away from the wall. How fast is its height on the wall decreasing when foot of ladder
फुट ऑफ लैडर इज 4 meters अवे फ्रॉम द वॉल फ्रॉम क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए भैया जी। चलिए थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हुआ लिखने में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ए लैडर 5 meters लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल द बॉटम ऑफ द लैडर। ठीक है, जिन्होंने सुना होगा तो लिख ही लिया होगा धीरे धीरे। तो जरा क्वेश्चन को समझिएगा कि हमारे पास क्या है, एक लैडर है। लैडर को ऐसे दीवार पर ऐसे टिका दिया जो 5 meters लंबी लैडर है। ठीक, अच्छी बात। अब एक बात बताइए, जब लैडर को आप टिकाओगे तो ये कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस होगी बॉटम वाली, हमने कहा ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी काम का, ये डिस्टेंस वाई है। तो एक बात बताओ, इन दोनों इन तीनों चीजों के बीच में एक रिलेशन बन रहा है। वो रिलेशन क्या बन रहा है? वो रिलेशन है x² + y² = 25 बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ये रिलेशन निकाल लोगे। अब जो गिवन है उसको पढ़ते जाइएगा। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, अच्छी बात है, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, पूरा लिखा, लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ऐसे पकड़ के खींचा है, अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल। इसमें स्पीड हमने लिखी नहीं, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया, क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिख पाया। यही होता है यार, लिख लिख के पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उसमें कुछ गलत लिख जाए उसको देखो। इसमें लिखा है अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 centimeters, अवे फ्रॉम द वॉल, यहाँ पे लिखा एट रेट ऑफ 2 centimeters पर सेकेंड। यहाँ लिख लीजिएगा, पढ़ा लीजिएगा, क्या करें अब हम बार बार मिटाएंगे नहीं, उसको दोबारा लिखेंगे नहीं। तो ये क्या है, ये एक्स है ना, तो ये एक्स के बारे में कर रहे हैं कि किसका रेट दे रहे हैं x का, क्योंकि dx/dt आपको दे रहे हैं। तो dx/dt जब आप इसको इधर खींचोगे तो ये x बढ़ेगा कि कम होगा? ये x बढ़ेगा, x की लेंथ बढ़ेगी। तो x बढ़ेगा नहीं, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हुआ तो कितना, 2 लिख लीजिए, कितना होगा, तो ये dx/dt हो गया। और ये जब इधर इसको खींचोगे तो ये घटेगा, तो कह रहे ये कितना घटा है, dy/dt की वैल्यू पूछ रहे हैं कब, when the foot of the ladder, foot of the लैडर इज 4 meters अवे फ्रॉम द, फुट ऑफ द लैडर है ये कितने मीटर पर हो, 4 meters अवे फ्रॉम द वॉल, यानी 4 meters के डिस्टेंस पे है। ये क्वेश्चन आपको डिजाइन किया गया, ये दुनिया की बातें लिखी, पढ़ लीजिएगा भाई, थोड़ा सा उससे आप गंदा सुंदर जैसा लिखा मैंने लिख दिया, ठीक है ना। हाँ, परेशान ना होइए, क्योंकि अब इस चैप्टर में तो लिखा पढ़ेंगे या फिर हम इसको बंद कर दें, तो बंद तो करेंगे नहीं क्योंकि आधा हो गया है, थोड़ा सा बचा है इसको और कंप्लीट कर देते हैं। गलत चैप्टर उठा लिया, इसमें लिखने का काम बहुत दिक्कत वाला हो रहा है। एक एक क्वेश्चन को 5-5 मिनट पहले लिखते रहिए, वो देखिए ऐसे से लिखो, फिर लिखो आधा गलत लिख गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, dx/dt 2 centimeters पर सेकंड। देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर सवाल में, 2 centimeters पर सेकंड, ये सेंटीमीटर में दे रहा हो, ये मीटर में देख रहा है, यही डिस्टर्ब करेंगे सवाल में, तो इसको क्या करना भैया, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 2/100 meters पर सेकंड हो गया। ये dy/dt पूछा कब, जब x = 4 meters है, सब कुछ मीटर में चल रहा है, तो चेंज कर लिए, फटाफट काम करिए, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कराइए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा, 2x dx/dt + 2y dy/dt = कितने के, 0 के, ये उधर जाएगा, तो 2y dy/dt = -2x dx/dt चलेगा।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे dy अपॉन dt इज इक्वल टू आएगा माइनस का x अपॉन y इनटू dx अपॉन dt। ठीक, dx अपॉन dt वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, कितनी 2 अपॉन 100 रख देंगे, 2 माइनस 2x अपॉन 100 और y, यहां तक मामला ओके हो गया। देखिए dx अपॉन dt वैल्यू माइनस dx अपॉन dt वैल्यू 2 अपॉन 100 रखोगे, 2 अपॉन 100 इनटू ये, तो माइनस का 2x अपॉन 100 इनटू y लिख जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है सर, इसको इधर मिटा ले रहे हैं, हटा दे रहे हैं ना, dy / dt इसके निकालना है x = 4 पे, तो हमारे पास dy / dt तो आया, लेकिन कितना आया, माइनस का 2x / 100 y आया। प्रॉब्लम पता है इस जगह हुई, क्या दिक्कत हुई आपको, वैल्यू किसकी दी, आपको जो वैल्यू निकालनी है x = 4 पे निकालनी है, x की वैल्यू तो रख लोगे लेकिन y की जगह क्या लाओगे, प्रॉब्लम होगी ना, तो इसको चेंज करिए, यहां पे y की वैल्यू लाइए माइनस 2x / 100 और y की वैल्यू यहां से निकलेगी कितनी, √25 माइनस x स्क्वायर, बस इतना सा दिमाग और लगाना पड़ेगा आपको, तो एट x इक्वल कितना 4, तो dy / dt की वैल्यू निकल आएगी कितनी माइनस 2 इनटू 4 अपॉन 100 और यहां कितना 25 माइनस 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 25 में से ये 9 कटेंगे 25 में से 9 कटेंगे, देख लो झुका के यार परेशान कर दिया इस वीडियो ने, ठीक है 25 माइनस 16 ठीक है 9 आ जाएगा, कितनी वैल्यू दे देगा माइनस का 2 इनटू 4 अपॉन 100 इनटू 9, अब कैलकुलेट कर लेना, जो कटे काट लेना जो बचे बचा देना, ये कितना 25 बार कट जाएगा, तो माइनस का 2/225 मीटर पर सेकंड। ठीक, नोट करिए, ऐसे पढ़ाने में गुस्सा आती निकली के क्वेश्चन पढ़ो भाई, किताब देख के काम करो, अभी हम इसे लिखेंगे हम पागल हो जाएंगे, टेंशन दे दिए इस चैप्टर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर इसी पैटर्न पे है, करें ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग, फिर से वैसे क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं, 5 मीटर लॉन्ग लैडर हो गई, 5 मीटर वैसे बना ली गई, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल इफ द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइस डाउनवर्ड, इसका टॉप ऑफ द लैडर ये डाउन आ रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, नीचे की तरफ भागे तो इधर भागेगा, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, यानी dy / dt डाउन आ रहा है ना, dy / dt वैल्यू माइनस में होगी क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, y इतना था कम होगा ना जब नीचे आएगा, डिक्रीज करना हुआ तो डिक्रीज कितने स्पीड से कर रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसको तुरंत मीटर में कन्वर्ट कर लेना, कितने मीटर पर सेकंड, ये लिख लिया हमने, ये dy / dt हो गया। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड आउट द रेट एट विच द एंगल, अब देखो इसमें क्वेश्चन घुमा दिया हमने, कह रहा फाइंड आउट द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर, एंगल बिटवीन फ्लोर एंड, ये फ्लोर है ये लैडर है, इसके बीच के एंगल, इसका रेट ऑफ चेंज पूछना है, क्वेश्चन घुमा दिया इन्होंने, इन्हें डी थीटा / dt पूछ लिया सवाल में, बिल्कुल चेंज कर दिया क्वेश्चन, बिल्कुल चेंज कर दिया, डी थीटा / dt पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, dx / dt नहीं पूछा है, कह रहे हैं व्हाट इज द चेंज ऑफ रेट ऑफ द थीटा बिटवीन फ्लोर एंड लैडर, जो एंगल बन रहा है किसके बीच में, लैडर और फ्लोर के बीच में बन रहा है, उसमें क्या रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो पूछा जा रहा है, कब पूछा जा रहा है, कब पूछा जा रहा है, वो कंडीशन लिख देते हैं, बिटवीन एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर इज डिक्रीजिंग व्हेन द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज, लोअर एंड ऑफ द लैडर इज x मीटर 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इन x की वैल्यू दे रहे हैं, इसकी वैल्यू दे रहे हैं 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इन x = 2, x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो आपसे d थीटा / dt क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए। चलिए अब प्रॉब्लम जरा बड़ी समझने की कोशिश करिएगा, सबसे पहले देखिए कि ये एंगल है और ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, क्योंकि आपको y dy / dt की वैल्यू दी गई है, तो एक बात बताइए sin थीटा = परपेंडिकुलर / हाइपोटेन्यूज लिखा जा सकता है, हमने dy को क्यों लिया पता है, dy को इसलिए लिया गया है कि क्योंकि dy / dt की वैल्यू दी गई इसलिए हमने y को लेकर के रिलेशन बना लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन कराओगे तो क्या आएगा, cos थीटा d थीटा / dt = 1/5 और y का डिफरेंशिएशन dy / dt, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, dy / dt की वैल्यू शायद आपको क्वेश्चन में मिल गई कितनी
कितनी वैल्यू है डी वाई अपॉन डी टी वैल्यू रख लीजिए तो डी थीटा अपॉन डी टी निकालने की तैयारी करते हैं फटाफट डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 बाई फाइव इसकी वैल्यू कितनी माइनस 100 अपॉन 18 अपॉन 100 कटाकटी करा दीजिए कितनी वैल्यू देगा 10 माइनस 1 बटे अभी कॉस तो रहेंगे ना इधर कॉस लिख लेते हैं पहले कॉस थीटा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 1 बटे 50 ठीक डी थीटा अपॉन डी टी वैल्यू कितनी बनेगी डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 50 कॉस थीटा यहां तक मामला पहुंच गया कोई दिक्कत तो बताइए बताइए माइनस 1 अपॉन 50 कॉस थीटा ये वैल्यू रख करके वैल्यू यहां पे ले आए ठीक है कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि है अब आइए आगे बढ़ते हैं अब आगे की वार्ता करिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए होगी कॉस थीटा की वैल्यू कहां से निकलेगी यहां से निकलेगी कैसे निकलेगी माइनस 1 अपॉन 50 परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन 5 ये 5 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 10x देखिए चेक करिए और x की वैल्यू कितनी दी गई है 2 तो एट x इक्वल टू कितने पर 2 पर d थीटा अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 20 जो भी है यूनिट आप लिख दीजिएगा क्लियर मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 20 मीटर मीटर नहीं नहीं ये थीटा ना तो माइनस थीटा क्या एंगल है एंगल का यूनिट क्या होता है रेडियन होता है तो रेडियन पर सेकंड आंसर होगा रेडियन पर सेकंड हाँ थोड़ा गलत हो जाता है जल्दी से और यहाँ पे थीटा अपॉन डी टी वैल्यू थीटा क्या है एंगल है एंगल का एंगल यूनिट क्या होता है रेडियन होता है रेडियन अपॉन सेकंड नोट करिए जल्दी से ये डिक्रीज करेगा माइनस का साइन बता रहा है डिक्रीज करेगा माइनस का साइन बता रहा है डिक्रीज करेगा ठीक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आपकी किताब में होंगे ढूंढिएगा ढूंढ करके करने का प्रयास करिए समझ गए हाँ ठीक अच्छा अब लगभग ये कंप्लीट हुआ है अब हम आपको क्या करेंगे एक हम एक्सरसाइज भेज दे रहे हैं उसके क्वेश्चन आप लगा लीजिए एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकिन हम एक्सरसाइज भेजेंगे तो आप वापस हमको भेज दोगे कि सर एक को निकले ही नहीं तो वो भी गड़बड़ है तो आप क्या करिए अपनी किताब उठाइए एनसीईआरटी जो भी आपके पास बुक है उसके क्वेश्चन लगाइए रेट ऑफ चेंज की और जो ना है वो पूछिए बकवास मत करिएगा ठीक है ना चलिए ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते मान लेते हैं खत्म अब हम लोग अगले टॉपिक में अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन ये सिंपल टॉपिक इसमें लिखा पड़ी इतनी ज़्यादा आपको नहीं लिखनी पड़ेगी इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि पहले क्वेश्चन लिखो फिर करो फिर क्वेश्चन लिखो फिर करो फिर क्वेश्चन करो फिर बहुत टाइम बर्बाद हुआ ठीक है थोड़ा सहयोग करें इस चैप्टर में थोड़ी दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को भी हो रही है हमें भी हो रही है हमको इसलिए हो रही क्योंकि हमको लिखना पड़ रहा है बहुत इससे क्या होता है पढ़ाने का फ्लो बिगड़ जाता है पहले लिखते रहिए पहले घंटा उसको ये हो फिर लिखा यही कर रहे हैं आधी बातें समझ में नहीं आती ठीक है ओके थैंक यू